नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सैफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कॉर्न ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाएंगे। कॉर्न ड्राई फ्रूट लड्डू सर में हर दर्द की दवा है, जिससे आप रोज इनका सेवन करेंगे तो शरीर में कई तरह के बदलाव आएंगे। इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, जिससे सर्दी खांसी बुखार नहीं होगा, हड्डियाँ मजबूत बनेंगी, जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी। आप इन लड्डुओं को कई महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इनका रोज सेवन करेंगे तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब हम बनाते हैं कॉर्न ड्राई फ्रूट के लड्डू। कॉर्न ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए हमने 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, 200 ग्राम हमने बूरा ली है। हम कम मीठे के लड्डू बना रहे हैं, इसलिए हमने 200 ग्राम ली है। यदि आप ठीक मीठा खाते हो तो आप गेहूं के आटे के बराबर बूरा ले सकते हैं। जैसे 250 ग्राम हमने गेहूं का आटा लिया है, आप 250 ग्राम बूरा ले सकते हैं। हमने चीनी को मिक्सी जार में पीस कर बूरा बना लिया है। 250 ग्राम देसी घी लिया है। कुछ बादाम लिए हैं, इनको हमने टुकड़ों में काट लिया है। कुछ काजू लिए हैं, इनको हमने टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी सी हमने खरबूजे की मीन ली है और थोड़े से हमने गोंद लिए हैं। अब हम गोंद ड्राई फ्रूट लड्डू बनाएंगे। इसके लिए एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम देसी घी डालेंगे। देसी घी को अब हम गर्म करेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम आटे को डालेंगे और घी और आटे को हम मिक्स करेंगे। फिर आटे को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हम अच्छी तरह से दोनों को मिक्स करेंगे। हम आटे को भून रहे हैं, अब इसमें हम गोंद को डालेंगे, जिससे गोंद हमारा आटे के साथ ही भुन जाएगा। ये देखिएगा, आटे के साथ ही गोंद भुनने लगेगा। देखिए अब हमारा गोंद कैसे फूलने लगा है, आटे के साथ ही भुन रहा है गोंद भी। ये देखिए, बड़ा बड़ा अच्छे से फूल गया है गोंद हमारा। देखिए भुन गया है। अब इसमें हम बादाम डाल देंगे। बादाम को भी हम भूनने में टाइम लगता है, इसलिए हम पहले डाल देंगे और काजू और मीन को हम बाद में डालेंगे। आटा भूनता रहेगा, उससे पहले हम ड्राई फ्रूट भी अपने डाल डाल के भूनते रहेंगे। बादाम हमारे भुन गए, अब इसमें हम मीन डाल देंगे और काजू डाल देंगे। इनको हम इसलिए लास्ट में डाल रहे हैं क्योंकि ये जल्दी भुन जाते हैं। यदि पहले डाल देते तो हमारे मीन और काजू जल जाएंगे। अब हम आटे को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। आटा हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, खुशबू भी आटे के भुनने की आ रही है और ड्राई फ्रूट भी हमारे भुन गए हैं। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर ठंडा करके इसमें हम बूरा मिलाएंगे। हमारे आटे और ड्राई फ्रूट का मिक्सचर अब हल्का ठंडा हो गया है, अब इसमें हम बूरा को ऐड करेंगे। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे और ड्राई फ्रूट के मिक्सचर में हम शुगर को हल्के गर्म में ही मिक्स करेंगे, जिससे हमारी बूरा अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। अब इसके हम लड्डू बांधेंगे। थोड़ा सा पोषण लेके हाथों की सहायता से हम इस तरह से लड्डू बांधेंगे। देखिए, थोड़ा सा हाथ से इस तरह से हल्के हाथ से दबा के फिर लड्डू बांधेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा लड्डू बनके तैयार हुआ। इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बांधेंगे। बिल्कुल लड्डू का शेप आया है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से अब हम सारे लड्डुओं को बांध देंगे। गोंद ड्राई फ्रूट लड्डू बनके तैयार हैं।
आप सर्दियों में इस तरह गोंद के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये लड्डू आपको जरूर पसंद आएंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।